एक लहसुन की मदद से आप अपनी सर्दियों को 10 से 15 मिनट में ठीक कर सकते हो। कैसे? ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, इसकी प्राइस सुन के आप जरूर शॉक हो जाओगे। या फिर जितने भी आईफोन्स आते हैं उस पर 9:41 का ही वॉलपेपर क्यों सेट किया जाता है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहिए वीडियोस के एंड तक। फैक्ट नंबर 9, सर्दी खांसी होने पर हमारा नाक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जाम हो जाता है, जिसके कारण से ना हम लोगों का सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसका एक सॉल्यूशन है जो कि एक यूट्यूब पर ना एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो आप देख रहे हो वो अपने नाक में लहसुन के 2 टुकड़े ले लेती है और उसे 10 से 15 मिनट तक अपने नाक में रखती है। और उससे क्या होता है, उसे निकालने पर उसके नाक का जो बबल गम होता है यानी कि जो कचरा होता है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है बहुत ही आसानी से, जो कि बहुत ही अजीब फैक्ट है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप रेगिस्तान में घूमना चाहते हो तो ये फैक्ट सिर्फ आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हो ये रेगिस्तान जो है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब है। अरे आप अगर दूर से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे रेगिस्तान के टीले हैं जो कि बहुत छोटे छोटे माउंटेन्स में कवर हुआ है, लेकिन जैसे अगर आप पास जाओगे ना तो छोटी छोटी झील भी आपको दिखेगा। फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो पानी है ना वो कहाँ से आया ना किसी को नहीं पता, जो कि बहुत ही रेगिस्तानी इलाका में है। फैक्ट नंबर 7, जो आप इमेज देख रहे हो ना ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फैक्ट वाला इमेज है दोस्तों। ये आपको एक पेंटिंग लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये एक पेंटिंग नहीं है दोस्तों, ये रियल लाइफ में एग्जिट करने वाला एक माउंटेन है दोस्तों। इस माउंटेन का नाम है द रेनबो माउंटेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माउंटेन है, जो कि कुछ ही लोग यहाँ पर जा पाते हैं दोस्तों, जो कि बहुत कठिनाई पूर्वक ये जो है ना यहाँ पर जा पाते हैं लोग। और इसका फैक्ट ये है ना, इसमें बहुत ही सारे कलरों से भरा हुआ माउंटेन्स है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। फैक्ट नंबर 6, कोको कोला जो होते हैं ना वो सबको पीना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में ना बहुत ही अच्छा ड्रिंक माना जाता है। ये जो कोको कोला है ना वो बहुत ही पुराना है, जो कि इसका इतिहास देखो ना तो बहुत ही रहस्यमय तरीकों से बताया जाता है, जो कि इसका जो टेस्ट है ना अभी तक किसी ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन अभी के टाइम में जो बोतल्स आते हैं यानी कि जो कोको कोला के बोतल्स होते हैं ना वो पुराने ज़माने में ना कुछ ऐसे दिखते थे जो कि गोल आकार के ऊपर से नीचे तक दिखता था, जो कि अभी के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है कोको कोला का जो बोतल होता है वो। फैक्ट नंबर 5, ये जो आईफोन्स आप देखते हो कहीं पर भी एड या एडवर्टाइजमेंट या आईफोन शॉप में जाकर, उसमें एक बात क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो भी आईफोन्स होता है ना उसमें जो भी स्क्रीन पर होता है वॉलपेपर उसमें 9:41 लिखा हुआ होता है, लेकिन ये सारे आईफोन में ना सेम ही होता है। लगभग सारे आईफोन में जहाँ पर भी होते हैं ना वहाँ पर सेम होते, लेकिन जो ये होता है ना वो किस लिए दिया जाता है, तो इसका भी एक बहुत ही ज़्यादा खास रीज़न है दोस्तों, जो कि स्टीव जॉब्स थे ना वो आईफोन लॉन्च किए थे ना उस टाइम पे ना 9:41 ठीक हुआ था, इसी कारण से ना सारे आईफोन के वॉलपेपर पर 9:41 ही दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, जो ईंटे होते हैं उसमें ऐसा होल क्यों दिया जाता है, या फिर जो ईंटे होते हैं ना उस पर नाम क्यों लिखा जाता है उस फैक्ट्री का। तो दोस्तों जो नाम जो लिखा जाता है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा उस फैक्ट्री के लिए भी फायदाजनक यानी कि एडवर्टाइजमेंट जैसा ही होता है, लेकिन ये जो है ना होल्स और नाम लिखा जाता है वो भी बहुत ही ज़्यादा भूमिका खेलते हैं दीवार को मजबूत करने में। ये इसलिए क्योंकि जो होता है नाम ना उस पर सीमेंट डालने से वो बहुत ही अच्छा पकड़ बनाता है, जो कि होल्स के भी साथ ऐसा ही होता है। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो नाव है वो हवा में उड़ रहा होगा ऐसा आपको लग रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक लेक है जिसका नाम है नेशनल लेक, कभी ना कभी तो आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा दोस्तों, जो कि इसका जो फैक्ट है ना दोस्तों इसका पानी, इस लेक का पानी इतना साफ या सुथरा है जो कि आप एक कॉइन भी अगर इसमें गिरा देते हो तो उसको आसानी से आप ढूंढ सकते हो। फैक्ट नंबर 2, यह कैलीम्यूटियो माउंटेन दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब माउंटेन में से एक माना जाता है। इस जगह की अजीब फैक्ट यह है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस जगह पे है ना वो ज्वालामुखी के एक विस्फोट हुआ था, जो कि इस जगह को 3 करोड़ों की झील में परिणत किया था, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे जो कि एक ही जगह पर है ना वो 3 कलर का झील आ गया है, जो कि बहुत ही वियर्ड फैक्ट है। फैक्ट नंबर 1, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो इसमें आपको क्या खास लग रहा है? मुझे तो कुछ भी इस पेंटिंग में खास नहीं लग रहा है,
बस येलो और ब्लू जैसे रंग को इसमें ऐड किया गया है। लेकिन ये जो पेंटिंग है ना दोस्तों, वो इतना महंगा है क्योंकि आप 10-12 कार भी खरीद सकते हो, वो भी बहुत ही लग्जीरियस कार दोस्तों। ये जो पेंटिंग है ना दोस्तों, इसकी कीमत सुन के तो आप शौक ही हो जाओगे, क्योंकि इसकी कीमत जो है ना वो $46.5 मिलियन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा है इस पेंटिंग के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा।